ज़्यादा परेशानी है कि बड़ा बेटा है मेरा कैलाश, दो बेटे हैं, एक सोनू है, एक कैलाश के चार लड़के हैं और बहू है, वो ना मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते। नमस्कार, मैं रेणु करदम और आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बेटे होते हैं, पर उसी बेटे की वजह से माँ को दर दर भटकना पड़े तो उस माँ के लिए आप क्या कहेंगे। फरीदाबाद में एक ऐसा ही वाक्य सामने आया है। 75 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने बड़े बेटे और बहू के साथ प्रताड़ना से पीड़ित होकर दर दर भटकने लगी। बेटे और बहू की प्रताड़ना से शीला देवी ने इसकी शिकायत फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से लेकर डबुआ थाने तक की, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। शीला देवी का कहना है कि वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर अपने छोटे बड़े बेटे के साथ 3 बार जा चुकी थी, पर वहां भी जाने पर निराशा ही हाथ लगी थी, जिसकी वजह से वह थक हार कर इस कोर्ट में केस डालने के लिए पहुंच गई है। अब उसे उम्मीद है कि शायद कोर्ट ने उसे कुछ राहत मिल सके। स्वागत जिंदगी के लिए जितेंद्र बैनीवाल की। अब बैठी हूँ मैं कोर्ट में। कोर्ट में क्या करने आए आप? कोर्ट में तो मैं अपनी समस्या के कारण कहिए कैसा भी मैं इनमें घर से बाहर करूं। किनको? अपने लड़के को, बड़े वाले को मैं निकालना चाहती हूँ उनको। बड़े वाले कितने लड़के हैं आपके पास? मेरे 2 लड़के हैं, एक बड़ा है कैलाश, छोटा है सोनू, और उसके वो नाती हैं 4 बड़े वाले के लड़के। तो आप किनको निकालना चाहते हो? वो उन्हीं के लिए, उसके लड़कों को और बहू को, कैलाश की बहू को, लड़कों को और कैलाश को, क्योंकि वो उल्टा सीधा बोलते हैं। कैलाश तो सीधा है, वो दब के रहता है बच्चों, लड़कों से और बहू से। तो आपको घर से निकालना चाहते हैं? घर से निकालना चाहते हैं। मेरे नाम मकान है, मैं तो नहीं जाती कहीं, मैं उन्हें ही निकालूंगी। तो पुलिस तो कहती है कि हम आपके साथ हैं, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लेती? पुलिस हमारे साथ नहीं है, हम कई 3 बार जा चुके हैं सीपी ऑफिस और वहाँ देखो डबुआ थाने, वो लौट लौट के वहीं डबुआ को भेज देते हैं, वो सुनाई नहीं करते। क्या प्रशासन से क्या उम्मीद चाहती हो? उम्मीद तो मैं ये चाहती हूँ इन्हें घर से बाहर करूँगी।